हेलो गाइस यार, तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया हो गए। तो गाइस फाइनली आज की इस वीडियो में हम रिलीज करने वाले हैं अपने मॉडिफाइड बलेरो पिकअप मोड को। जैसे कि गाइस आप लोग वीडियो में देख पा रहे हो, आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये बलेरो पिकअप मोड देने वाले हैं, एंड वो भी गाइस बिना किसी पासवर्ड के। तो फाइनली आपने गाइस करना क्या, इस वीडियो को लाइक कर देना है, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसे और मोड्स एंड वीडियोस आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हम इस चैनल पर लेकर आएंगे, तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना है। तो चलिए यार शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। एंड गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये बलेरो पिकअप मोड के अंदर आप लोगों को दो एनिमेशन मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट वाले एनिमेशन से आप लोग इसके दोनों फ्रंट डोर ओपन कर सकते हो, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो वीडियो के अंदर, एंड यहाँ पे आप लोग लेफ्ट वाला डोर भी देख सकते हो। एंड जो दूसरा वाला एनिमेशन है उससे गाइस आप लोग जो है अपने जो पिकअप मोड है उसको अनलोड फिर या फिर लोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अनलोड या फिर लोडेड कर सकते हो अपनी पिकअप मोड को। इस तरीके से आप लोगों को सेकंड वाला एनिमेशन मिल जाता है। और गाइस यार अगर हम बात करें इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस की एंड इसके जो स्टेयरिंग कंट्रोल की, तो काफी ज्यादा रियलिस्टिक एंड मस्त स्टेयरिंग कंट्रोल आप सबको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और गाइस जो इसका ड्राइविंग करने का भाई एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, एकदम स्टेयरिंग कंट्रोल अच्छा है और अच्छे से ये वर्क करता है मोड, एंड कोई भी प्रॉब्लम अभी तक मेरे को इसके अंदर नहीं आई है। तो चलिए गाइस अब बारी आती है इसके इंटीरियर की, एंड इंटीरियर व्यू भी काफी ज्यादा मस्त मिलने वाला है। तो चलिए भाई चलते हैं इसके इंटीरियर में, एंड आप लोगों को इसका जो इंटीरियर है व्यू है वो भी आप लोगों को दिखा देता हूं। एंड उसके बाद गाइस हम बात करेंगे कि इस मोड को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे अपनी गेम के अंदर इंस्टॉल करना है। तो चलिए अभी सबसे पहले हम इसका इंटीरियर व्यू देख लेते हैं। तो गाइस फाइनली आप लोग इसका इंटीरियर भी चेकआउट कर सकते हो। भाई मेरे को तो इसका इंटीरियर काफी ज्यादा मस्त लगा, क्योंकि गाइस आप लोग देख सकते हो इसके अंदर जो स्टेयरिंग मिलता है उसके अंदर आप लोगों को महिंद्रा का लोगो भी ऐड किया मिल जाएगा, एंड साइड के अंदर आप लोगों को गणेश जी की फोटो भी मिल जाएगी, एंड काफी ज्यादा बढ़िया इंटीरियर के साथ ये मोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी यार आप सब बताना कि इस मोड के अंदर आपको सबसे अच्छा क्या लगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि इस मोड को कैसे डाउनलोड करना है। तो गाइस डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें जाना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे मैंने इस मोड का डाउनलोड लिंक दिया है, एंड उस लिंक के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना। गाइस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला वेबसाइट ओपन हो जाएगा, एंड गाइस आप लोगों ने अब करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों ने स्क्रॉल करना है और नीचे आ जाना है गाइस, ठीक है। नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को 30 सेकंड वेट करना है, एंड जैसे आप लोग 30 सेकंड वेट कर लोगे उसके बाद ये वाला डाउनलोड लिंक आएगा, इस पे आप लोगों ने गाइस क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे जो पेज है हमारा नेक्स्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से आप लोगों ने स्क्रॉल करना है और नीचे आना है, एंड गाइस यहाँ पे आप लोगों ने अभी 20 सेकंड का वेट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये 20 सेकंड खत्म हो जाते हैं हमारे सामने यहाँ पे अभी लिंक आ जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं, एंड गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बस खत्म होने वाले हैं, और उसके बाद गाइस यहाँ पे इस तरीके से फिर से यहाँ पे डाउनलोड लिंक आएगा। गाइस इस पे हमें क्लिक कर देना है, जैसे हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन होगा और यहाँ पे फाइनली जो हमारा डाउनलोड लिंक है आ जाएगा गाइस, ठीक है। अब सबसे पहले गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को दो डाउनलोड लिंक मिल जाते हैं, कि ये वाला है ये वाला, ठीक है। ये वाला जो लिंक है गाइस शेयर मोड्स का लिंक है, एंड जो नीचे वाला लिंक है ये मीडिया फायर का लिंक है। अब इनमें से आप लोग अगर मीडिया फायर का वर्क नहीं कर रहा तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो हम मीडिया फायर का लिंक डाउनलोड करते हैं, इस पे हमें क्लिक करना है, एंड यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो जो हमारा मीडिया फायर का लिंक है गाइस ओपन हो जाएगा। ये देख सकते हो यहाँ पे लिंक आ चुका है, इस पे हमें क्लिक करना है, एंड जैसे हम क्लिक करेंगे गाइस जो हमारा फाइल है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब डिटेल्स में जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो, जो हमारा मोड है डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से गाइस मोड को डाउनलोड कर लेना है, एंड डाउनलोड करने के बाद ऐड कैसे करना है चलिए वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बात सिंपल, आपने करना क्या गाइस यार प्ले स्टोर में आ जाना है, ठीक है। चलिए हम प्ले स्टोर में चलते हैं, एंड यहाँ से हमें एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है जिसका नाम गाइस है जेड अचीवर। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है, एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद गाइस आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से एक डाउनलोड वाला फोल्डर आएगा, तो गाइस आप लोगों ने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब गाइस आप लोगों ने जो पिकअप मोड फाइल डाउनलोड किया है वो आप लोगों का जो फाइल है इस डाउनलोड वाले फोल्डर में आ चुका है। तो चलिए सबसे पहले हमें अपनी जो पिकअप मोड फाइल को है उसको देख लेना है कि वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे अपना पिकअप मोड, यहाँ पे आ जाएगा अभी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे ये देख सकते हो लिखा हुआ है मेकिंग द गेमिंग पिकअप मोड, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है, एंड जैसे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एक्सट्रैक्ट हेयर का, इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका मोड एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक न्यू फाइल देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ मेकिंग द गेमिंग, एंड ये जो फाइल का जो लोगो है गाइस देख सकते हो व्हाइट कलर का है, ठीक है। इस फाइल के ऊपर आप लोगों ने लॉन्ग प्रेस करना है 5 सेकंड के लिए, एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है कॉपी वाले बटन का, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस सिंपल आप लोग ऊपर देख सकते हो लिखा हुआ है डाउनलोड, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमें जाना है गाइस डिवाइस स्टोरेज में, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइस बस्टेड का फोल्डर आएगा, इस पे क्लिक कर देना है।
यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे एक मोड्स का फोल्डर आ जाएगा, इस पे क्लिक कर देना है। अब इस फोल्डर को ओपन करने के बाद हमारी जो फाइल है मोड वाली उसको हमें पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए सिंपल गाइस आप लोगों ने करना क्या गाइस, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक आइकन है, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो मोड सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर रखा है तो यहाँ से मैं इसको स्किप कर देता हूँ। तो फाइनली जो हमारा मोड है गाइस ऐड हो चुका है। अब गाइस इस मोड को हमें गेम के अंदर कैसे सिलेक्ट करना है उसके लिए गाइस आप लोगों ने अपनी गेम को ओपन कर लेना है। तो चलिए गेम को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस यार मोड को अभी खेलने के लिए आपने सिंपल अपनी गेम को ओपन करना है एंड गेम को ओपन करने के बाद गाइस आप लोगों ने यहाँ पे गैज का ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक नेक्स्ट बटन आ जाएगा, इस पे हमें क्लिक करना है और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है जब तक कि हमारा पिकअप मोड नहीं आ जाता। तो हमने नेक्स्ट कर दिया, देख सकते हो गाइस फाइनली जो हमारा पिकअप मोड है यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे नीचे यूज बटन लिखा हुआ है इस पे क्लिक कर देना है एंड उसके बाद यस कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे एंड यस कर दोगे उसके बाद आपका मोड यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। सिंपल अब आप लोगों ने बैक आ जाना अपने गैरेज में, ठीक है। जैसे हम गैरेज में आएंगे गाइस हमारा मोड यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉल हो चुका है गाइस, देख सकते हो। इस तरीके से आप लोगों ने अपने मोड को लगा लेने गाइस। यार इस पिकअप मोड में आप सबको एक प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसके एक साइड का जो टायर है उसके व्हील अंदर को देखने को मिल जाते हैं, बाहर नहीं शो हो रहा है। बट आप लोग जब इसको गेम के अंदर मतलब मैप के अंदर चलाओगे तो ये एकदम सही हो जाता है एंड गैरेज में आप लोग देखोगे तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। यार मोड आपको कैसा लगा कमेंट में बता देना और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, अपने दोस्तों को इस मोड को शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना गाइस। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड वीडियो देखने के लिए गाइस आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया गाइस।